सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का पोषण ट्रैकर ऐप की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो बहनों, पोषण ट्रैकर ऐप में जो फैमिली सर्वे को लेकर अपडेट आई थी, जिसके रिलेटेड मैंने पिछले दो वीडियो में आप लोगों को समझाया है किस प्रकार से आप लोगों को फैमिली सर्वे करनी है। तो चूंकि आप लोगों के द्वारा काफ़ी सारे कमेंट भी आ रहे हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप में जब हम लोग फैमिली सर्वे कर रहे हैं तो उसमें दादा दादी सास ससुर या जो अदर लोग हैं उनका हम लोग सर्वे कैसे करेंगे, और मान लीजिए आधार कार्ड जिन बच्चों का नहीं है उनका हम लोग फैमिली मेम्बर कैसे ऐड करेंगे, जो हस्बैंड हैं उनका हम लोगों को फैमिली हेड कैसे बनाना है, इस चीज़ को लेकर आप लोगों के द्वारा काफ़ी सारे कमेंट किए गए थे। तो उसी के रिलेटेड मैंने सोचा कि चलिए फिर से आप लोगों को ये सारी जानकारी और जो भी डाउट हो वो क्लियर कर दिया जाए। तो चलिए इस वीडियो में आप लोगों को इससे रिलेटेड जो भी जानकारियाँ हैं वो आपको बताते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा जिससे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम हो वो आसानी से सॉल्व हो सके। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो फैमिली सर्वे करने के लिए आपको फैमिली सर्वे के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा जहाँ पर एक चीज़ मेंशन की गई, इसको आप लोगों को ध्यान से पढ़ लेना है। एज ए फर्स्ट स्टेप यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट प्रोफाइल ऑफ फैमिली हेड, मदर फादर और गार्जियन कैन बी फैमिली हेड। फैमिली सर्वे करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है कि फैमिली मेंबर में किनको हेड रखना है। आप माता पिता या किसी एक गार्जियन को फैमिली हेड का मेंबर बना सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को करना क्या है, जैसे कि यहाँ पर जो मदर का ऑप्शन दिया गया है, जो स्टार मार्क दिया गया है, ये चीज़ें आप लोगों को भरनी ज़रूरी होती है। और जैसा कि एज आप लोग राशन कार्ड में भी देखते होंगे कि जो घर के मुखिया होते हैं, जो लेडीज़ मुखिया होती है, उनको फैमिली हेड बनाया जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि आप लोग जितना हो सके घर के लेडीज़ को ही आप लोग फैमिली हेड का मेंबर रखिएगा। बाय द वे, अगर घर की लेडीज़ यहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है तो आप लोग यहाँ पर डेथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। डेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फादर का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। आप फादर को भी फैमिली का जो हेड है वो रख सकते हैं। अगर मान लीजिए फादर और मदर दोनों नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे डेट वाले ऑप्शन पे तो एक गार्जियन का ऑप्शन खुल के आ जाता है। तो आप लोग गार्जियन को भी फैमिली हेड का मेम्बर बना सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, जिससे कि उनका जो भी डिटेल्स है वो आप लोग वहाँ पे भर के फैमिली का जो हेड है उनको भी बना सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ रिकमेंड कर रहा है कि आप लोग क्या पोषण ट्रैकर ऐप से जो गार्जियन है उनका यहाँ पर फैमिली हेड में नाम रख सकते हैं, लेकिन जब आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर कोई भी डाटा आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ गर्भवती धात्री और बच्चों को ही रजिस्टर किया गया है। घर के गार्जियन और हस्बैंड का डिटेल्स आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो है कि क्रिएट न्यू प्रोफाइल से ही आप लोग यहाँ पे जो घर के गार्जियन का फैमिली हेड में नाम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने आधार नंबर का एक ऑप्शन आएगा जो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, आप भर भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। अगर आधार नंबर उनका है तो आप लोग भर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एज फॉर आधार के अनुसार ही आप लोगों को नाम ऐड करना है। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं जो स्टार का मार्क लगा है वही आप लोगों के लिए भरना मैंडेटरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो विलेज का नाम है वो आ जाएगा, विलेज कोड आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ये किस कैटेगरी से आते हैं। यहाँ पे SC ST और अदर का ऑप्शन मिल जाएगा, तीनों में से किसी एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको रिलीजन सेलेक्ट करना है, किस धर्म से ये आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, अदर्स, जो भी हो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद माइनॉरिटी इन द स्टेट को आप लोग सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ज़्यादातर आप लोग यहाँ पे नो ही देखने को मिलेगा। रेसिडेंस ऑफ दिस AWC एरिया, क्या यह गार्जियन जिसका आप लोग फैमिली हेड रख रहे हैं वो आपके आंगनबाड़ी क्षेत्र के अंदर आते हैं। अगर आते हैं तो यस करेंगे, वरना इसको नो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर रिलेशन ऑफ फैमिली हेड का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल रहेगा। सेल्फ का जो है यहाँ पर फैमिली हेड में रखेंगे तो आपको सेल्फ ही रखना पड़ेगा। यहाँ पर मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, मैरिड, अदर। उसके बाद यहाँ पे ICDS के द्वारा अगर इनको कोई लाभ मिलता है तो यस करेंगे, वरना इसको नो सेलेक्ट करके आप यहाँ पे सबमिट एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करके घर के गार्जियन का जो है यहाँ पे फैमिली हेड में नाम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग फैमिली हेड में नाम ऐड कर सकते हैं। और जैसे कि हमने आपको शुरू में ही जो बताया था कि फैमिली मेंबर में दादा दादी सास ससुर या घर के जो अदर लोग हैं उनका नाम हम लोग कैसे ऐड करेंगे, चलिए हम यहाँ पे किसी एक को फैमिली मेंबर का हेड बना लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। और जैसे कि जो दादा दादी है और जो सास ससुर हैं, जो अदर लोग हैं, उनको हम लोग फैमिली मेंबर कैसे ऐड करेंगे, अब आप लोगों को चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी,
ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मदर को फैमिली हेड रख रहे हैं, तो उसके लिए आपको एलआई पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दो ऑप्शन खुल गया जाता है। एक है, एक रिकमेंड कर रहा है कि आप पोषण ट्रैकर ऐप से ही आप जो भी लाभार्थी हैं उनको फैमिली हेड रख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर क्रिएट न्यू प्रोफाइल, जैसा कि हमने आपको दिखाया कि आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जो वहाँ पर डिटेल्स मांग रहे हैं उन सबको भर के आप लोग यहाँ पर जो फैमिली हेड के मेंबर है वो ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे रिकमेंड जो कर रहा है पोषण ट्रैकर ऐप उसी के अनुसार चलेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोगों को इमेज भी दिखाया जा रहा है। इस इमेज से आप लोग समझ पाएंगे कि ये लाभार्थी किस कैटेगरी की है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे देखेंगे कि जो गर्भवती महिला है उनका इमेज किस प्रकार से दिखा रहा है और धात्री महिलाओं का इमेज किस प्रकार से दिखा रहा है। तो इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि ये लाभार्थी किस कैटेगरी की है, ठीक है। ये चीज़ें आपको आगे भरने को मिलेगी। तो चलिए हम किसी एक को यहाँ पर फैमिली हेड का मेम्बर बना के आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि हमने किरण कुमारी शर्मा को फैमिली हेड बनाने के लिए यहाँ पे जो गोल घेरा दिया गया है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को आधार नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ ये सारी चीज़ें भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पोषण ट्रैकर ऐप में हमने इनका जो डिटेल्स है वो भरा हुआ है, ठीक है। इसमें आप लोगों को दो तीन काम करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए हम कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको रिलीजन सेलेक्ट करना है, ये किस धर्म से आती है, ठीक है। उसके बाद माइनॉरिटी में आपको नो रखना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्या यह लाभार्थी आपके आंगनबाड़ी केंद्र के क्षेत्र से आती है, तो हाँ हमें यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे रिलेशनशिप विथ फैमिली हेड का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे क्लोज रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ कर रहे हैं जिनको फैमिली हेड रख रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को कोई भी ऑप्शन चेंज करने को नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस दिखाना है, तो हम यहाँ पर मैरिड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैटरनिटी स्टेटस आप लोग को दिखाना है, तो इस पर क्लिक करना है। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया कि आप लोग को देख लेना है कि किस लाभार्थी को हम लोग फैमिली हेड बना रहे हैं, तो उस चीज़ को आप लोगों को यहाँ पे डालना होगा। जैसे कि हमने लैक्टेटिंग मदर को सिलेक्ट किया था फैमिली हेड में, तो यहाँ पर आप लोग को लैक्टेटिंग मदर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद क्या ये लाभार्थी को ICDS के द्वारा जो लाभ है वो दिया जाता है, तो यस पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद सबमिट एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे सबमिटेड सक्सेसफुली का जो मैसेज वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको फैमिली हेड का मेंबर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को फैमिली मेंबर बनाने के लिए आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको रिकमेंड करेगा पोषण ट्रैकर ऐप से ही आप लोग फैमिली मेंबर को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इनके जो बच्चे हैं उनका रजिस्ट्रेशन अगर पोषण ट्रैकर ऐप में इनके आधार से किया गया है तो आप लोग यहीं से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप लोग क्रिएट न्यू प्रोफाइल से भी इनके जो बच्चे हैं, जो हस्बैंड है उनका फैमिली मेम्बर में नाम ऐड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो रिकमेंड कर रहा है पोषण ट्रैकर ऐप इनके जो बच्चे हैं उनका नाम यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करके दिखाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे इनके आधार से जो मैचिंग आधार दिखा रहा है यहाँ पे कि इनके आधार से कितने बच्चों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया गया है, तो वो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन खुल के आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई नाम बच्चों का नहीं शो कर रहा है तो इनके आधार से जो बच्चे हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर कभी कभी आप लोगों को जो ऑप्शन है वो नहीं भी देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर दो बच्चों का जो नाम है इनके आधार से मैचिंग कर रहा है, तो यहाँ पर दो बच्चों का नाम आप लोग देख पाएंगे। तो दोनों बच्चों को यहाँ पर फैमिली मेम्बर बना सकते हैं। तो चलिए हम एक बच्चे को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर रिलेशनशिप विथ फैमिली हेड का जो ऑप्शन है खुल के आ जाएगा, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान से समझना है, तो देख सकते हैं यहाँ पे सन, डॉटर और हस्बैंड यहाँ पे तीन ही ऐसे नाम है जो आप लोगों को फैमिली मेंबर में ऐड करने का ऑप्शन दे रहा है। बाकी दादा, दादी, सास, ससुर और जो भी अदर लोग हैं उनको आप लोग यहाँ पर फैमिली मेम्बर में ऐड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके रिलेटेड कई सारे कमेंट आए थे कि फैमिली मेम्बर में जो बाकी घर के सदस्य हैं उनको कैसे ऐड करेंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जिनको फैमिली हेड बना रहे हैं उनके बच्चे लड़का और लड़की को ऐड कर सकते हैं और उनके हस्बैंड को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे डॉक्टर पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो मैरिटल स्टेटस है वो अदर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ICDS के द्वारा इनको लाभ मिलता है, तो यस पे क्लिक करेंगे। और यस पे क्लिक करने के बाद सबमिट एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो एक फैमिली मेम्बर का नाम यहाँ पर ऐड हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे जो नाम है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट ऑफ फैमिलीज, यानी कि कितने लोगों को आपने पोषण ट्रैकर ऐप में फैमिली मेंबर बना लिया है, वो लिस्ट आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि मदर चार दिखा रहे हैं, दो बच्चे और दो चिल्ड्रेन। बाकी जो यहाँ पे गार्जियन है उनका नाम आप लोग यहाँ पे अभी फिलहाल ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फैमिली मेंबर में उनका नाम ऐड नहीं कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि दो रजिस्ट्रेशन एक ही नाम से हो चुका है, तो आप लोग यहाँ पे एक नाम को अगर डिलीट करना चाहें तो यहाँ से आसानी से डिलीट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
और यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे तो वो नाम डिलीट हो जाएगा। आप चाहें तो फैमिली हेड को भी डिलीट करना चाहते हैं तो फैमिली हेड को भी डिलीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग फैमिली सर्वे आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद है हमने आपको इस वीडियो में फैमिली सर्वे के रिगार्डिंग जो भी जानकारी है वो बता दी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।